माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग है मेरा अबाउट सम शॉपिंग, और आज मैं गई थी सदर, सो मैंने सोचा कि चले आपसे मेरी कैसी शॉपिंग जो है वो भी शेयर कर लूँ। और ये वाला व्लॉग जो था ये मैंने रमज़ान से एक दिन पहले बनाया था, सो बस हमने सोचा कि रमज़ान आने वाला है और कुछ शॉपिंग की जाए। हेलो गाइस, और ये देखिए इस टाइम हम आए हैं सदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से सदर का थोड़ा थोड़ा व्यू नज़र आ रहा है, और सबसे पहले हम जो है बाहर आ गए हैं और हमने सोचा कि चले कुछ खा लेते हैं। सो बस इस टाइम हमने कढ़ाई ऑर्डर की है, साथ ही हमने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो बस अभी हम ये खाएंगे और उसके बाद जो है शॉपिंग करेंगे ईद की, और साथ ही साथ जो है हेयर कटिंग वगैरह करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपसे साथ ही साथ शेयर करती रहूँगी फिर। और ये देखिए हमें मेरी फ्रेंड जो है वो भी मेरे साथ आई हुई है। हाँ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती है कहीं भी। और इसके बाद हम पार्लर जाएंगे कटिंग करने, और आप सबको रमज़ान अल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। सो बस अभी हम ये खाएंगे और फिर जाएंगे। जी, सो लंच करने के बाद हम आ गए थे शॉपिंग के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस आ गए हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी कलेक्शन आ गई है ईद के लिए। सो हम यहाँ पे आ गए थे सबसे पहले ड्रेसेस की शॉपिंग करने के लिए, और ये वाला ड्रेस जो था ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत खूबसूरत ड्रेस था। ओके जी, सो ये वाला ड्रेस था 6500 में, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये ड्रेस था, बहुत ज़्यादा प्यारा इसका डिज़ाइन था, और ये जो है ये कोऑर्डिनेट कपड़े में था। सो इसमें तकरीबन 7 कलर्स थे, और हर एक कलर जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यारा था। सो मैंने ये एक खुलवा दिया था कि चले मैं आपको ये थोड़ा सा ये वाला ड्रेस दिखा दूँ कि इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है वो कैसी है। और साथ ही साथ इस शॉप में और बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स थे। सो ये नेक्स्ट ड्रेस जो है ये थोड़ा एजड लोगों के लिए है कि अगर कोई लेना चाहे, तो ये वाला ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये वाला ड्रेस था तकरीबन 5000 रुपीज़ में, लेकिन प्राइसेस जो है ये कम कर देते हैं। दीदी सरप्राइज थे 5500 ओदा बस हो क्यों छे दुपट्टा दीदी सरप्राइज थे 10,500 और दबा लास्ट सो क्यों 8500 के। तो जी ये तो यहाँ पे थे इनके पास फैंसी ड्रेसेस, इसके अलावा इनके पास बहुत प्यारे प्यारे से पोत के ड्रेसेस भी थे। सो मैंने कहा कि वो वाले ड्रेसेस जो है वो भी हमें दिखा दें। सो यहाँ पे ये रेड वाला आप देख सकते हैं कितना प्यारा ड्रेस है, कितना प्यारा इसका डिज़ाइन बना हुआ है। सो इनके पास ये भी अवेलेबल थे, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है इनके पास दुपट्टे अवेलेबल थे, क्योंकि बहुत सारे पोत के ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास दुपट्टे अवेलेबल नहीं होते जिनके साथ, और या तो आजकल जो है ये शॉर्ट हो गए हैं। ये बेसिकली इंडियन पोत डिज़ाइंस हैं। सो इसकी प्राइस थी 7500 रुपये, और फाइनल जो है ये हमें 6000 रुपीज़ में दे रहे थे, और इनके साथ जो थे ये वाले सारे कलर्स अवेलेबल थे। सो अगर कोई लेना चाहता है तो वो मुझे ऑनलाइन भी डीएम कर सकता है इंस्टा पे, सो यहाँ से मैं उनके लिए भिजवा सकती हूँ। और उसके अलावा जो है बाकी जो पेशावर में रहते हैं तो सदर में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ईद की कलेक्शन जो है वो आ गई है, मेहंदियाँ आ गई हैं, बैंगल्स वगैरह आ गए हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा था हमें शॉपिंग करके भी,
और उसके बाद जो है हम आ गए थे दूसरी शॉप्स पे। अच्छा, ये वाला वेलवेट का ड्रेस जो था ये हमें अपने लिए लेना था, और साथ ही साथ मुझे एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था, तो उनको भी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और वो इसके बारे में पूछ रही थी। सो मैंने सोचा कि चले क्यों ना मैं अपने लिए भी ये ले लूँ, और साथ ही साथ जो है आपको मैं दोबारा इसका रिव्यू भी करा दूँ। सो ये वाला ड्रेस है तकरीबन 15,000 रुपीज़ में, और बाकी जो है इसके साथ आस्तीन और दामन के पैचेस हैं, साथ ही इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड शॉल अवेलेबल है, शर्ट जो है वो भी इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। सो ये वाला ड्रेस जो था ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, और मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी तो उसको भी ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो हमने सोचा कि चले ये ड्रेसेस जो है हम सेम ले लेते हैं अपने लिए। सो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तीन ड्रेसेस जो हैं वो हमें दिखा रहे हैं, और इसके अलावा इनके पास एक ग्रीन कलर में भी अवेलेबल था, वो भी वेलवेट का ही ड्रेस था और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। नकुलो के रहा था फुल कुलो। ग्रीन कलर दे दें करना। सो ये वाला ग्रीन कलर का ड्रेस है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत एलिगेंट इसका डिज़ाइन था। शॉल जो है इसकी इसकी भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी, और बाकी जो है इसके साथ भी पैचेस वगैरह अवेलेबल थे, और इसकी प्राइसेस भी तकरीबन 15,000 रुपीज़ के करीब थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सदर जो है ये पिशावर की लोकल मार्केट है, और यहाँ पे प्राइसेस में ऊंच नीच ये कर देते हैं। सो प्राइस ये 15,000 बता रहे थे, लेकिन जब हमें लेना हो तो फिर 1,000 ऊपर नीचे जो है ये कर देते हैं। बाद में आ गई थी दूसरी शॉप, और यहाँ पे मैंने सोचा कि चले आपको कुछ हैंडमेड वर्क दिखा दूँ। सो ये जो है हमारे फंक्शंस वगैरह के लिए, शादी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये वाले ड्रेसेस जो है ये फुली हैंडमेड वर्क है। और ये सामने जो नेवी ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, सो ये ड्रेस था तकरीबन 35,000 रुपीज़ की प्राइस में, साथ ही साथ जो इसके साथ रेड वाला हैंग है ये भी फुली हैंडमेड है, और इसकी प्राइस भी 35,000 रुपीज़ है। हैंडवर्क देखा ना, हाँ जैसे शर्ट बने कर शिवे। ओके जी, सो इसके बाद ये वाला ड्रेस जो था ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, फ्रंट एंड बैक इसकी फुली एम्ब्रॉयडरी इस पर हुई हुई थी, और इसके साथ जो थे दामन और आस्तीन के पैचेस भी अवेलेबल थे। सो दुपट्टा जो था वो इसका ऑर्गेन्जा में था, और बाकी ये स्लीव्स जो थे ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थे। अच्छा, इसकी प्राइस जो है वो ये 12,000 रुपीज़ बता रहे थे, लेकिन फाइनल जो है ये 9,000 से 10,000 रुपीज़ में ये दे देंगे। और ये जो था ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत एलिगेंट जो है इसका डिज़ाइन बना हुआ था। तो जी बस यहाँ से जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ले ली थी, और अपनी शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे पार्लर के, हमें करनी थी हेयर कटिंग, और उसके साथ साथ जो था कल रोज़ा भी था। सो यहाँ पे बस हम साथ ही साथ जो है वो टीवी भी देख रहे थे, और इस टाइम यहाँ पर ऐलान हो चुका था कि कल जो है वो इंशाल्लाह से रोज़ा है। सो बस हम यहाँ पे बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, साथ ही साथ हमने अपनी हेयर कटिंग जो है वो भी करा ली थी, और फिर हम आ गए थे अपने घर। सो बस दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग, होपफुली मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।